पूरे घर को उठा दिया 6 फुट मान गया भैया। तो मां नहीं होती तो मुझसे ही करती है हमारे यहाँ तो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी 6:15 ही हुए हैं, मैं पहुंच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। और रात को भयंकर वाली बारिश आई, आंधी आई, तो अंदर सोए थे हम तो। ओले भी आए बता रहे हैं लेकिन मैं देखे नहीं, ना ही बाहर निकला मैं क्योंकि एडिटिंग कर रही और अपलोड किया और फिर मैं सो गया 11:30 बजे थी। तो अभी मैं काम करने आया हूँ लेकिन गर्माइश वही है, गर्मी है ना धरती में, वो बाहर निकल रही है। तो ज़्यादा बारिश आई है क्या? ये कुछ ऐसी आई है, सूखा पड़ा बिल्कुल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का। और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो है, हवाएं भी गर्म गर्म चल रही है। तो आज तो बस देखते हैं कैसा दिन रहेगा, हवा भी है हल्की फुल्की है, चल भी नहीं रही हवा। तो करते हैं गाइज ये काम, फिर करते हैं अगला काम। तो हमें सब्सक्राइबर मिले हैं गाइज, यहाँ पर हमारे गांव का ही है। फिलहाल ये है कि डेली एक व्लॉग आने वाला है, डेली डेली एक व्लॉग आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डेली एक व्लॉग दिखाने की। तो दिनचर्या हमारे आसपास ही रहेगी, मेरे चारों ओर और फैमिली की कुछ भी। तो चलते हैं आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल 9 बजने वाले गाइस और खाने का समय हो गया है। अभी ये सब्जी गर्म की हुई है, प्याज और लस्सी और शक्कर डाली हुई है आज। तो अभी रेडी हुआ हूँ मैं, मेरे को दादी जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है और कपड़े भी लेके आने हैं। तो लेट हो गया हूँ मैं, 11 बज गए पूरे। और लेट इसलिए हो गया क्योंकि माँ गई थी खेत में, तो दादी के पास मैं था। तो फिर सोनू माँ को लेने गया बाइक पे, चारा लेके आना ना, तो चारा लेके आया तब। अभी 11 बज गए हैं, घर का काम किया थोड़ा माने, तो खाने वाने में से बज गए 11। तो अभी चल रहा हूँ मैं, उसी का जाना पड़ेगा पहले, फिर मार्केट चलते हैं। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि माँ भी बोल रही हैं कि मैं भी चलूँगी, तो माँ अभी तैयार होने लग रही हैं, थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तब तक हम खरबूजा खाते हैं, सुबह खाया था खाना 9 बजे के करीब खाया था और अभी 11 बज गए हैं, तो खरबूजा खाते हैं। तब तक माँ भी रेडी हो लेंगे। आज़ादी वाले में नमक और नींबू दोनों डाले हैं क्योंकि दादी गर्मी बन जाती है। ले दादी खा ले, और अच्छे खाते थे, अच्छे चम्मच से खाते नहीं देने के बाद भी। अरे कुछ लिखा ना है दादी रे, वहाँ भी जा है ठीक है। तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो इसलिए उधर जाना पड़ेगा, बाद में इधर आना पड़ेगा। तो पहले मैं डलवा के लेके आता हूँ, फिर माँ को बैठा के दादी जाने वाला हूँ। तो चलते हैं। आगे थैंक यू भाई। ये पिछली वीडियो देखी हो आपने, उसमें हमने यहाँ पर सामान सेट किया था। तो चलिए घर को देखते हैं ये कितना उठा दिया जैक से, क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। बार वाली दीवार देखिए यहाँ से उखाड़ दी बिल्कुल, यहाँ से पूरे नीचे से एंगल भर दिए हैं, अंदर से देखते हैं इसके नीचे भर दिया है सपोर्ट, वही देखिए सब इस जगह भर दिया, आगे 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 पीछे भी यहाँ भी भर दिया है। और ईंटें सेट कर दिए हैं, ये नई नई ईंटें अब लगती जाएंगी यहाँ पर, तो कार्य प्रगति पर है। अपन छोड़ के गए थे तब क्या था, तब बस ये वाली दीवार थी ये नीचे से, और अंदर वाली दीवार थी वो वाली, और ये वाली भर रखी थी। अब वो पूरी खिड़कियाँ भर गई हैं, ये वाली भर गई खिड़की पूरी,
मतलब जो भी ये रोशनदान है या खिड़की वगैरह वो सारी भरनी पड़ती है पहले, ताकि पूरा सपोर्ट मिल जाए दीवार को ऊपर तक। तो हाँ कुछ इस तरीके से गाइस हो गया है ये अपना सपोर्ट वाला काम, मतलब पूरे घर में जैक 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 हैं। साइड वाला घर भी उठा रखा ना पिछली वीडियो में देखा था हमने, तो दूसरे वाला देखते हैं साइड वाला घर क्या चल रहा है उसमें। ये साइड वाला घर बिल्कुल जस्ट साइड में ये हमने देखा था पहले एक ब्लॉग में, तो अभी देखते हैं क्या प्रोग्रेस हुई है इसकी, कहाँ तक पहुँचे हैं ये। एक पिलर यहाँ पे खड़ा कर दिया है और ये दीवार कंप्लीट कर दी है, इसके जैक निकाल दिए हैं। और गाइस देखिए क्या नज़ारा है, मतलब वाह पूरी कंप्लीट। ये मेरे हाइट जितनी है, मतलब 6 फुट की दीवार खड़ी कर दी है नीचे, पूरे घर को उठा दिया ऊपर। वाह काफ़ी अच्छा है गाइस जी। तो और ये दीवार देखिए बिल्कुल सीधी है, कोई बैंड नहीं, गजब कार्यक्रम गजब। और ये देखिए मैं यहीं से दिखा रहा था किचन है इस साइड, अब ये उठेगा पूरा घर ऊपर तक। ये वाला पॉइंट उस दीवार के पॉइंट के पास टच होगा, इतना उठेगा। अब आप मान सकते हैं यहाँ पे शोर भी ज़्यादा हो रहा ना, मशीन चल रही है, देखते हैं कहाँ पर। तो गाइस अभी यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ये लास्ट वाला पोर्शन है बचा हुआ। तो अभी यहीं से सो रहा था गाइस। ये देखिए गाइस भूंडी तरह लगे हुए हैं, भूंडी तरह, भूंडी तरह बोले तो बहुत ही जोर शोर से। तो गाइस आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जोर शोर से काम चल रहा है, पूरे घर को उठा दिया 6 फुट मान गया भैया। और अपने वाले को भी ऐसे उठाएंगे पूरे 6 फुट ऊपर तक जैक लगा के, और ईटे भरते जाएंगे वो सेट करते जाएंगे। तो अभी चलते हैं उसी घर में, पीछे वाले घर में। नमस्कार मुझे। नमस्ते बेटा। ठीक हो? तो कम तो तो देख लो भाई सामान धर रखो, तो एक एक कमरा पूरा खुलो बानो कर दे बेड। और सोने कपड़ों में लगी हुई है भयंकर तरीके से, आपने देखा होगा श्याम काटू श्याम जी गए थे उस वाले ब्लॉग में। बस ये फिलहाल पानी पानी पी रहे हैं सुबह से, और वो आपदा चल रहा है पूरे दिन से। तो चलते हैं हम यहाँ से, अभी सामान लेने जाएंगे मौसी रुके थे, तो चलते हैं गाइस मौसी चल रही। तो मौसी में और माँ जा रहे हैं, अभी चलते हैं। अच्छा माँ। तो पहुंच चुके हैं गाइस सेंटर पर। अभी पहुंचे हम कपड़े लेने, कपड़े लेते हैं। तो गाइस शॉपिंग कर ली है, फिलहाल समय हो गया है 5:30 यहीं पे हो गए हैं, कपड़े खरीदे हैं और खाने का सामान लिया है, दुकान का सामान लिया है, फिर चलते हैं घर पे। ठीक है, और बोरा लेके आया मैं जानबूझ के, पता है मेरे को ऐसा होने वाला है, माँ मना कर रही थी। बाय मुझसे। तो फिलहाल अभी पहुँचे गाइस घर पे, 6 बजने वाले हैं पूरे, और मैं कुल्फी लेके आऊँगा दादी के लिए और सभी के लिए। तो खाते हैं कुल्फी, बता देते हैं ले दी। देखिए कितनी जोर से आंधी आई है, ये भी उड़ गई टीन जो कवर लगा रखा था बजाल पे, देखो कैसी उड़ रही है। ये देखिए गाइस कितनी भयंकर वाली आंधी रखी है, तूफान रखा बिल्कुल तूफान। तो अभी प्लाट में आऊँ गाइस, और हम नहीं थे यहाँ पर, तमोसी यहाँ पर मानी होती है, तमोसी करती है हमारे यहाँ, तो दोनों बहनों का ये अच्छा है एक जगह साथ होने का। तो गाइस खाने का समय हो गया है, और खाने में आज पराठे बना रखे माने मस्त वाले, और स्वीटी और माँ दोनों लगे हुए हैं काम बनाने में पराठे, और पराठे खाते हैं और कड्डी बना रखी मस्त स्वादिष्ट, खा लेते हैं गाइस। तो फिलहाल खाना हो चुका है और मैं ऊपर आ गया हूँ, और काफ़ी थक गया हुआ तो मैं, अब तो पूरे दिन शॉपिंग में ही लग गया, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कपड़े खरीदने में खुद के, औरों को मैं दिला देता हूँ लेकिन खुद के कपड़े मेरे से खुद ही नहीं खरीदे जाते, तो इसलिए माँ आ गई थी, और माँ का मन भी था जाने के लिए क्योंकि मौसी से मिलना था, तो दोनों काम हो गए। और सामान लेके आए हैं कुछ दुकान का कुछ घर का,
एक्चुअली जो सामान है वो RCM के थ्रू ले गया मैं, क्योंकि घर पे यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको ट्राई कर लिया जाए एक बार। तो उसको ट्राई किया जा रहा है फिलहाल RCM को। तो हालांकि अभी तक जो मैंने ट्राई वो किया है, अनुभव किया, वो लगभग ठीक ही रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है इस साथ अनुभव, क्योंकि ज़रूरी है भी अलग अलग अनुभव लाइफ में। बैक कैमरे से ही लगभग सारी वीडियोज ली हैं, तो बताना ये सभी फुटेज अच्छी से आई है या नहीं क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहा हूँ बैक कैमरे से, आगे पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो देखते हैं कैसा अनुभव रहता है, ये भी जरूरी है। तो गाइज काफी थक गया मैं, अभी एडिटिंग भी करनी है अभी तो, और बारिश आ गई है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, लाइट है नहीं। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कराऊंगा गाइज। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। तो सामान अनपैक कर लिया है।